टेंथ क्लास स्टूडेंट वार संबंधी क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन में एक सर्कल वार सपोज करो कि ये वर्त है ए बी और डी सी दोनों दो व्यास एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तो ये चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। अब ट्रायंगल एबीसी और एक सर्कल ओडी को व्यास मानकर एक सर्कल बना गए। ओडी इज इक्वल टू 7 सेमी तो हमें छायांकित पाठ का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है छायांकित पाठ का। छायांकित पाठ निकालने के लिए वर्त का व्यास ओडी इज इक्वल टू 7 सेमी तो वर्त का व्यास त्रिज्या हो जाएगी जो व्यास होगा उसके अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये ओडी सर्कल की बात का एरिया निकाल लें तो वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2। 7/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7/2 × 7/2। 7 से 7 कट कर देते हैं और 11 11 7 जा 77/2 सेमी स्क्वायर। ये डोटेड पूरे सर्कल का ओडी सर्कल का ओडी व्यास वाले सर्कल का क्षेत्रफल आ जाता है। जब ओडी 7 हो गई तो ओबी भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ओसी भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और ओए भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। एबी व्यास सर्कल को 2 पार्ट करता है तो आर बड़े सर्कल की बड़े वर्त का व्यास हो गया 7 है और ओ से ए तक की भी 7 है तो 7 7 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर आएगी इसकी 14/2 तो 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ए बी व्यास का अर्धवर्त का क्षेत्रफल।
अर्धवर्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 22/7 आर की वैल्यू 7, तो 1/2 × 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा और 11 आ जाता है। 11 7 जा 77, ये आधे सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया निकल आता है। ए बी व्यास से राइट साइड का एरिया निकाल। अब निकालेंगे हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज अब निकालेंगे हम त्रिभुज ए सी बी का। ए सी बी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, ए बी हमारा बेस होगा और ओ सी हमारी ऊंचाई हो जाएगी, तो 1/2 × ए बी की वैल्यू 7 और 7 14, ओ सी की वैल्यू 7, 2 से कट करा 7 7 7 जा 49, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल। आधे सर्कल में से ए बी सी का सर्कल माइनस करेंगे तो छायांकित भाग पूरे छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्त का क्षेत्रफल सेवेंटी सेवन अपॉन टू, ये तो ओडी वर्त ओडी सर्कल का है, प्लस करेंगे। अब 77 − 49, 77 आधे सर्कल का था और 49 हमारा त्रिभुज का था, तो इसको 38.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड करके इसको माइनस करके आएगा 8 और 28। अब दोनों को प्लस करके 0.5 6 और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का एरिया आ जाता है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में एक समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों कोनों पे सर्कल खींचे गए हैं, ये ट्रायंगल एबीसी, इसके तीनों कोनों से सर्कल खींचे गए हैं जो आपस में स्पर्श भी करते हैं। तीनों सर्कल सेम है, सेम इनकी रेडियस है, त्रिभुज ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा भी तीनों ए बी बी सी और ए सी सेम है, समबाहु त्रिभुज का है इसने। क्वेश्चन नंबर 10, समबाहु त्रिभुज हमें निकालना है वो पार्ट, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का वो पार्ट जो इन सर्कलों में नहीं है। हमें छायांकित भाग का एरिया निकालना है समबाहु त्रिभुज ए बी
सी का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में आइए 173.20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर संभव त्रिभुज का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर इजिकल टू 173.20.5। अंडर रूट 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 173.20.5/4 इंटू साइड का स्क्वायर इजिकल टू 173.20.5। तो भुजा का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 173.20.5 इंटू 4/ 173.205। ऊपर 0.1 है, नीचे 5 डिजिट है, तो 0.8 के 4 जीरो ऊपर आ जाएगी, इससे कटने के बाद में 1, तो भुजा इजिकल टू हो जाएगा अंडर रूट 40,000। जब इसका अंडर रूट करेंगे 200 सेंटीमीटर इसकी साइड आ जाती है, यानी कि भुजा संभव त्रिभुज की भुजा 200 AB या BC इजिकल टू 200 सेमी आ जाती है। अब जो इसकी रेडियस है संभव होगा, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, BC हमारी 200 है, तो OB हमारी त्रिज्या क्या बनेगी, तो त्रिज्या बनेगी हमारी, त्रिज्या हो जाएगी 200/2, यानी कि 100 हमारी 100 सेंटीमीटर इन तीनों सर्कल की त्रिज्या आ जाती है। थीटा हमारा क्या बनेगा, क्योंकि संभव त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो वर्तों से घिरे वर्तों में सम्मिलित भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि 3 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट 3 पार्ट है सेम है तीनों, तो तीनों पार्ट 3 × θ/360 πr² 3 × θ की वैल्यू 60 डिग्री, 360 πr की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 इंटू आर की वैल्यू 100, तो 66 3 2 1/2 × 13.414 × 100 × 100 2 से कट करके 1.57 मल्टीप्लाई करने के बाद 15700 सेंटीमीटर² इन तीनों सर्कलों में जो सम्मिलित है तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का। छायांकित भाग निकालने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे,
तो छांगीर बाग का क्षेत्रफल इजिकल टू 17320.5 माइनस 15700, माइनस करने के बाद 0.5023 में से 7 गया 1620 स्क्वायर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अलेवन इज एक रुमाल जो डिजाइन से जिस पे डिजाइन है एक रुमाल जिसकी साइड मालूम नहीं परंतु सर्कल की त्रिज्या मालूम है। 9 सर्कल खींचे हैं, 1 रेक्टेंगल शेप का या स्क्वायर शेप का, रेक्टेंगल तो होगा नहीं है क्योंकि स्क्वायर टाइप में है, क्योंकि 3 इधर 3 इधर, हमें निकालना है जो रुमाल का वो पार्ट निकालना है जो हमें जो सर्कल में शामिल नहीं है। ऐसे सर्कल शेप में है ये डिजाइन किया गया है, इसको 1 सर्कल की रेडियस 7 सेमी है। क्वेश्चन नंबर 11 वर्त की त्रिज्या यानी कि 7 सेमी क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ तक 7 7 ही आगे 7 7 14, ऐसे नीचे 14 14 14 28 और 14 42, ऐसे इधर 14 14 और 14, तो वर्गाकार रुमाल की लंबाई हो जाएगी। लंबाई क्या भुजा हो जाएगी 14 प्लस 14 प्लस 14 इजिकल टू 42 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि रुमाल वर्गाकार तो भुजा का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, यानी कि 42 का स्क्वायर आ जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरे रुमाल का एरिया आ जाता है। अब हम सर्कल निकालेंगे, सर्कल कितने हैं, 3 3 या 9, 9 सर्कल है, सभी वर्तों का क्षेत्रफल, सभी वर्तों का क्षेत्रफल क्या आएगा, सर्कल कितने हैं, 9 × π r² 9 की जगह 9, π की जगह 22/7, r की वैल्यू 7 क्वेश्चन में
आर गिवन, तो 9 × 27, 22 upon 7 × 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, और 63, 9 से 63 और 22 से मल्टीप्लाई करके ये 9 सर्कल का एरिया आ जाएगा। 2 6 1 2 6 6 8 3 और 1 1 3 8 6 7 स्क्वायर, ये हमारा जित 9 सर्कल का एरिया आ जाता है। तो शेष रुमाल के बिना छायांकित का, रुमाल का छायांकित नहीं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इजिकल टू हो जाएगा 1764 − 1386। माइनस करने के बाद 873 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाता है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मीन वर्थ का चौथाई पार्ट, फोर्थ, 1/4 पार्ट, चतुर्थांश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, एक चतुर्थांश यानी कि एक सर्कल का फोर्थ पार्ट, 1/4 पार्ट, इसके अंदर एक राइट ट्रायंगल बनाया है और ये भाग छायांकित भाग किया गया है। हमें इस छायांकित भाग का एरिया निकालना है। छायांकित भाग का एरिया निकालना है और चतुर्थांश का एरिया भी निकालना है। पुट दी नेम ए, यहाँ पे डी लिखा है, और ओ 90 डिग्री एंगल है कि वो चतुर्थांश है, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी लिखा है। रेडियस यानी कि ओ बी 3.5 सेंटीमीटर, और क्या है क्वेश्चन में, ओ डी इक्वल टू 2 सेमी। तो थीटा हमारा हो गया वर्थ की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या यानी अर्थात आर की वैल्यू हो गई 3.5 सेंटीमीटर, और थीटा हमारा हो गया 90 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल हो जाएगा, या तो 1/4 कर लेना, 1/4 करोगे तो थीटा का यूज नहीं होगा, थीटा अपॉन 360 πr² थीटा की वैल्यू 90/360, π की वैल्यू 22/7 × 3.5² 9 1 जा 9, 9 4 जा, तो 1/4 × 22/7 × 3.5 × 3.5। टू से कट करके 2,
11 7 से कट करके 0.5 मल्टीप्लाई करके अपॉन 2 55 और 35, 5 5 जा 175 175 5 2 9 और 1.2 डिजिट छोड़ कर 19 अपॉन 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इस चतुर्थांश का एरिया आ जाता है। पॉइंट में निकालना हो और पॉइंट किए जा सकते हैं। अब निकालेंगे हम त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल। बी ओ डी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारी यहाँ पे ओ बी होगा और हाइट हमारी 2 होगी, तो 1/2 बेस 3.5 है और ओ डी की वैल्यू 2 है, तो 2 1 जा 2 तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। ट्रायंगल तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल बी ओ डी का क्षेत्रफल। नाइनटीन को डिवाइड करके 9.29 जा 18.625। नाइन पॉइंट सिक्स टू फाइव माइनस 3.5, माइनस करने के बाद 1.25 और 6 सेमी स्क्वायर ये चतुर्थांश छायांकित भाग का एरिया आ जाता है। थैंक यू।